इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। इस वक्त की एक और ब्रेकिंग न्यूज ये कि मुंबई में आज से फिर वैक्सीन शुरू की गई है और वैक्सीनेशन की ये प्रक्रिया मुंबई में आज 143 सेंटर पर कोविशील्ड की पहली और दूसरी डोज के साथ शुरू की गई है। आज उन्हीं लोगों को वैक्सीन दी जा रही है जिन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया है। 22 सेंटर पर कोवैक्सीन की सिर्फ सेकेंड डोज लग रही है। मुंबई में वैक्सीनेशन आज सुबह 10 बजे से शुरू हुआ। हर सेंटर पर केवल 100 डोज ही वैक्सीन उपलब्ध की गई है। संवाददाता अतुल सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस खबर पर। अतुल, कितने वैक्सीन सेंटर्स पर आज वैक्सीनेशन प्रोसेस एक बार फिर शुरू हो पाया है और क्या वजह है कि कोवैक्स की केवल दूसरी डोज दी जा रही है, क्या और स्टॉक नहीं है? जी देखिए मीनाक्षी, आज मुंबई में केवल 22 जगहों पर कोवैक्सीन की सेकेंड डोज दी जा रही है और बाकी 143 जगहों पर मुंबई के बीएमसी के जो हॉस्पिटल्स और वैक्सीनेशन सेंटर हैं वहां पर कोविशील्ड की फर्स्ट एंड सेकेंड डोज दी जा रही है। कोवैक्सीन सबसे कम इस समय मात्रा में करीबन जो महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री हैं राजेश टोपे के अनुसार लगभग 1 लाख डोज ही मुंबई में अब सिर्फ कोवैक्सीन की बची रह गई है। इस वजह से कोवैक्सीन की जो डोजेज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड लोगों को ही दी जा रही है। सिर्फ 100 ही डोजेस हर जो सेंटर्स हैं, जो 22 सेंटर्स में मुंबई में आज कोवैक्सीन दिया जा रहा है वहां पर केवल 100 डोजेस ही पर सेंटर पर अवेलेबल हैं। और कोविशील्ड की भी जो वैक्सीन इतने जगहों पर लगाई जा रही है वहां पर भी 100 डोजेस ही उसमें अवेलेबल हैं, क्योंकि लगातार राज्य सरकार और बीएमसी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों की जो डोजेज हैं वो काफ़ी कम मात्रा में अब बची हुई हैं। इसी वजह से सबसे बड़ा कारण यही रहा है कि मुंबई और महाराष्ट्र में 18 साल के ऊपर की कैटेगरी के जो लोग थे उनकी वैक्सीनेशन रोकी गई है, क्योंकि अब सरकार की ये प्रायोरिटी हो गई है कि जो 45 एज प्लस के ग्रुप के लोग हैं उनकी सेकेंड डोज देकर उनका जो कंप्लीट एक सर्कल है वो वैक्सीनेशन का पूरा किया जाए। इसी वजह से वो डोजेज उनकी रोकी गई हैं और मुंबई में जहां पर इस समय नायर हॉस्पिटल में मौजूद हैं यहां पर सुबह 10 बजे से वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है जो दोपहर 3 बजे तक चलेगी। सभी ऑनलाइन रजिस्टर्ड जो लोगों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया है उन्हीं को ही वैक्सीन दिया जा रहा है। सिर्फ 100 ही डोजेज अवेलेबल हैं, इसलिए मीनाक्षी यहां पर या किसी भी वैक्सीन सेंटर पर फिलहाल बहुत ज्यादा रश नहीं दिखाई जा रही है देखी जा रही, क्योंकि वॉकिंग की जो फैसिलिटी थी वो लोगों की बंद कर दी गई है। ऐसे में जो लोग विदाउट रजिस्ट्रेशन के लिए खासतौर पे बुजुर्ग लोग जा रहे थे वो अभी नहीं पहुंच रहे, तो रश इस समय नहीं है। और वैक्सीनेशन की अगर मुंबई के नायर हॉस्पिटल में अभी जहां हम खड़े हैं बात करें तो सिर्फ 1 से 2 घंटे के अंदर ही लगभग 100 डोजेस लगा दिए गए हैं। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए आपका। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।